हमारे समाज का तीसरा वर्ग, जिसे न जाने हम कितने ही नामों से बुलाते हैं। कोई इन्हें किन्नर कहता है, तो कोई इन्हें नपुंसक कहता है, तो कोई इन्हें हिजड़ा भी कहता है। बता दें आपको कि किन्नरों का पूरा जीवन रहस्य से भरा हुआ है। इनके जीवन से लेके इनके जन्म से लेकर इनकी मृत्यु तक हर एक बात रहस्य से भरी हुई है। आपको बता दे कि आपने जरूर सुना होगा कि किन्नर जो होते हैं वो ना तो पूरी तरीके से पुरुष होते हैं और ना ही स्त्री है, इसीलिए ये हमेशा अविवाहित रहते हैं। लेकिन आज हम आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट में किन्नरों की शादी का असली सच बताने जा रहे हैं। जी हाँ, आपको भी इस बात को सुनकर, इस बात को जानकर काफी ज्यादा हैरानी होने वाली है कि किन्नर समाज के लोग भी शादी करते हैं। बता दें आपको कि ताज्जुब की बात तो यहाँ पर यह है कि किन्नर समाज के लोग सिर्फ एक रात के लिए शादी करते हैं, वो भी अपने भगवान के साथ। जी हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर किन्नरों के भगवान है कौन। तो आपको बता दे, किन्नर के भगवान कौन है और किनसे ये विवाह करते हैं, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये है अर्जुन और नाग कन्या उलूपी की संतान इरावन, जिसे अरावन के नाम से जाना जाता है। बता दें आपको कि इरावन किन्नर के भगवान कैसे बने और उनसे क्यों केवल एक ही रात के लिए विवाह करते हैं, इसके पीछे भी बड़ी ही अजब सी कहानी छुपी हुई है। और ये कहानी सीधे तौर पर संबंध रखती है महाभारत के युद्ध से। आपको इस कहानी को सुनाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि कहाँ होती है किन्नरों की एक रात की शादी और फिर उस शादी के बाद क्या होता है। तो आपको बता दें, किन्नर की शादी का जश्न अगर आपको देखना है तो आपको तमिलनाडु के कुवगांव जाना होगा। यहाँ पर हर साल तमिल नए साल की पहली पूर्णिमा से किन्नरों के विवाह का उत्सव शुरू हो जाता है, जो कि 18 दिनों तक चलता है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें कि 17वें दिन किन्नरों की शादी होती है। 16 सिंगार किए हुए किन्नरों को पुरोहित मंगलसूत्र पहनाते हैं और इनका विवाह होता है। विवाह के ठीक अगले दिन इरावन देवता की मूर्ति को पूरे शहर में घुमाया जाता है और इसके बाद उस मूर्ति को, इरावन देवता की मूर्ति को तोड़ दिया जाता है। इसी के साथ ही किन्नर समाज अपना श्रृंगार उतार कर एक विधवा की तरह विलाप करने लगती हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस विवाह से लेकर विधवा होने तक की रहस्यमयी कहानी क्या है। तो आपको बता दें कि महाभारत की एक कथा के अनुसार पहले पांडवों ने मां काली की पूजा करी। इस पूजा में एक राजकुमार की बलि देनी थी। कोई भी राजकुमार जब आगे नहीं आया, बता दें आपको कि जब कोई भी राजकुमार आगे नहीं आया तो इरावन ने कहा कि वो बलि के लिए तैयार है, लेकिन इसने एक शर्त रख दी कि बिना शादी के, जो इरावन है अर्जुन और नाग कन्या उलूपी का पुत्र था, वो बिना शादी के बलि नहीं चढ़ेगा। पांडवों के पास अब ये समस्या आ गई कि एक दिन के लिए आखिर कौन सी राजकुमारी होगी जो इरावन से विवाह करेगी और अगले दिन फिर विधवा हो जाएगी। इस समस्या का समाधान निकाला भगवान श्री कृष्ण ने। जी हाँ, जिनके पास हर समस्या का समाधान होता है, श्री कृष्ण खुद मोहिनी का रूप धारण करके आए और इन्होंने इरावन से विवाह रचाया। उसके बाद अगले दिन सुबह इरावन की बलि दे दी गई और श्री कृष्ण ने विधवा बनकर विलाप किया।
उसी घटना को याद करते हुए किन्नर इरावन को अपना भगवान मानते हैं और एक रात के लिए उनसे विवाह करते हैं और उसके बाद फिर अगली सुबह विलाप करते हैं विधवाओं की तरह। तो ये था किन्नर समाज की शादी का पूरा सच कि कैसे वो केवल एक रात के लिए शादी करते हैं और अगले ही दिन वो लोग विधवा भी हो जाते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज से आरती की रिपोर्ट।